गाइस आप सभी लोग आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस फिर से सिया लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं जा रही हूँ अभी कपकोट के गांव में और अभी मैं रास्ते में और देखो बैक साइड का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस क्योंकि आज गांव में निमंत्रण है, वहाँ वार्षिक श्राद्ध है मेरे ननद के घर पर, तो मैं आज वहीं जा रही हूँ और आपका रास्ते का व्यू भी दिखा देती हूँ और एक बार कपकोट का गांव दिखा देती हूँ, यहाँ से कपकोट के गांव का भी दिखा देती हूँ और फिर मिलूँगी आपको मैं वहाँ। तो चलते हैं और आपको भी ले चलती हूँ और मेरे साथ आ रही है गुंजन और मेरी छोटी सास यानी चाची, तो हम तीनों जा रहे हैं वहाँ। तो गैस चलते हैं हम और क्या क्या होता है आपको दिखाते रहते हैं आज दिन भर क्या क्या होता है वहाँ और कैसी रिवाज है वहाँ, ये सब आपको दिखाऊँगी मैं, तो आप मेरे चैनल के साथ बने। तो गैस ये रहे चाची और गुन्नू और ये रहा कपकोट के गांव का व्यू जो इस तरह से दिखता है यहाँ से। तो गैस चलते हैं हम और ये चाची मुझसे बैग मांग रही है, हारे हो रहा चाची। तो गैस चाची ने पकड़ लिया है मेरा बैग क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए हरियाली कितनी अच्छी हो रही है यहाँ, गेहूँ जम गए और वो रहा कासलो मंदिर जो हमारे घर से भी दिखता है और हमको जाना है वहाँ पे सामने जो अकेला घर दिख रहा है तो वहाँ पे जाना है हमको और कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का, दिखा देती हूँ आपको। तो कैसी रहा लोकेशन और देखिए हिमालय भी सामने दिख रहा है और ये रहा कपकोट का गांव और हम आए हैं अभी वो पेड़ से जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ब्लॉग में दिखता होगा आपको। गाइस हम आ गए कपकोट के गांव में और यहाँ पे है धारा, तो गुंजन और चाची को प्यास लगी है तो यहाँ पे पानी पी रहे हैं और यहाँ पे है छोटा सा मंदिर। तो गैस इन लोगों ने पानी पी लिया, अब मैं पी के आती हूँ क्योंकि धारे का स्वादिष्ट पानी मिस क्यों करें हम? मिस क्यों करें? तो गैस गुन्नू फिर से जा रही है पानी पीने के लिए, इससे अच्छी तरह से नहीं पिया था। और ये रहा रास्ता, यहाँ से जाएंगे हम ऊपर को, रास्ता हमें भी पता नहीं है लेकिन पूछ पूछ के जाएंगे ये कहाँ पे है बाहर से क्योंकि पहली बार जा रहे हैं हम। तो इतना रास्ता मुझे पहले से पता था क्योंकि हम यहीं से स्कूल जाते थे तब पता है और बाकी का ऊपर का रास्ता पता नहीं है। चाची पहली बार आ रही, चाची ना चाची पहली बार आ रहे यहाँ और चाची को रास्ता भी पता नहीं है। तो ये रहे हमारे थैले जिसमें हम ला रहे हैं सामान, तो अब चलते हैं यहाँ से। तो गैस देखिए यहाँ पे बिल्ली के बच्चे हो रखे हैं और ये है घास के लूटे गांव में और ये रहा कपकोट का गांव का रास्ता। चलो गुन्नू ये रहे बिल्लियाँ। तो गैस यहाँ से पूरा कपकोट भराड़ी का लोकेशन दिख रहा है, रहा भराड़ी और सामने है हिमालय पर्वत, तो यहाँ से पूरा लोकेशन दिख रहा है और चलते हैं हम आगे को। तो हम लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहाँ श्राद्ध है, तो चलते हैं और आगे से जा रहे हैं, निमंत्रण वाले हैं शायद जो जा रहे और गुंजन और चाची भी आगे निकल गए तो थोड़ी सांस फूल गई क्योंकि इतनी चढ़ाई में पहली बार आ रखी हूँ। तो चलते हैं, शायद लोकेशन आ गया है जहाँ हम पहुँचने वाले थे। तो चाची वहाँ पे रुक गए और गुंजन भी साथ में है, तो गए चलते हैं अब। तो चाची ने मेरा बैग पकड़ रखा है यहाँ से। तो गए हम पहुँच चुके हैं उमा के घर पे और हम अभी आ रखे हैं छत में और यहाँ पे चाची लोग बैठ गए हैं और बावे से मामी लोग भी आ रखे हैं, तो सब यहाँ पे बैठे छत में धूप सेक रहे। और गैस यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। और सामने दिख रहे हैं यहाँ से हिमालय पर्वत और व्यू बहुत अच्छा लग रहा है और फील्ड भी दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा केदारेश्वर मैदान का।
तो गैस बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे और यहाँ पे बन रहा है खाना, और दिखाती हूँ क्या क्या होता है दिन भर में यहाँ का। तो लोकेशन और गैस लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ऊंचे में गए हैं तो यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। बट थोड़े से पेड़ हैं यहाँ, तो इसके बस से कपकोट का आधा है एरिया दिख रहा है यहाँ से। तो ये बैंड बाजार वाला एरिया, फील्ड का एरिया दिख रहा है यहाँ से साफ। तो गैस देखते हैं, अब फिलहाल तो हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और मामी लोग के साथ बैठते हैं यहाँ पे, रेस्ट करते हैं। तो गुंजन को पूछते हैं, गुंजन कैसा लग रहा है यहाँ है? तो बोल नहीं रही, थक गई। और ये रहे मेरे मामी लोग, मतलब मेरे हस्बैंड के मामी है, तो मेरी भी मामी ठहरे। तो गाइस अब बैठ जाते हैं, हम थोड़ी देर में मिलूंगी आपको और क्या क्या होता है यहाँ का सब कुछ दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये रहे उमा और उमा के हस्बैंड, जो गोदान के लिए आ रहे हैं और सरास से पहने गोदान करेंगे। तो यहाँ पे गोदान की तैयारी हो रही है, तो देखते हैं क्या क्या तैयारी होती है। और यहाँ पे शुरुआत हो रही है गोदान की। बैठे हैं और गोदान हो गया। आगे कार्रवाई मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं छत में हूँ और वहाँ पे औरतें चाय पी रहे। तो ये रही उमा, सूट वाली मेरी ननद, और वहाँ पे चाय बनी रहे भी और चाय पी भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। तो गैस हम सब बैठे हैं अभी छत में और धूप से ये है। तो गैस यहाँ पे खाना पीना बना रहे, ये रही पूरी और तो कुछ नहीं। यहाँ से लोकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो सामने हिमालय पर्वत, बहुत अच्छा लोकेशन आ रहा है। भराड़े भी दिख रहा, कपकोट भी दिख रहा, सारी जगह दिख रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो खाने में क्या क्या बना है वो अभी मैं बाद में दिखाऊंगी खाने समय, बस अभी तो पूरियाँ तल रहे हैं और बना रहे हैं यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे बातें चल रही है और चाय के बारे में डिस्कस हो रही है यहाँ पे, बस इन्हीं को मिला है चाय, हमारे लिए नहीं आया, हमने तो तेरा हाथ। तो गैस यहाँ पे पी रहे हम चाय और ये आंटी देख के हैं चाय, तो चाय पीते एक बार। तो गैस ये है मेरी चाय, बट मैं चाय पीती नहीं हूँ लेकिन आज पीऊंगी क्योंकि भूख लग गई है। डिस्पोजल के एक ग्लास में नेस्ले कॉफी, कॉफी तो नहीं है बट चाय है, पर पी लेते हैं अभी। तो गैस यहाँ पे आदमी लोगों को खिलाने लगे और सरात हो गए शायद, मैं वो नहीं दिखा पाई आपको। और यहाँ पूरे आदमी लोगों को खिला रहे हैं, इसके बाद औरतें बैठेंगी शायद ऊपर नीचे साइड, बस रेडी लगा रखी है, गांव में ऐसे होता है। तो नीचे औरतों पर प्रसाद बंट रहा है वहाँ और ये खा रहे हैं खाना, तो कुछ देर में हम भी खाएंगे। तो अभी मैं छत पे हूँ और छत से ही दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ पे गुंजन केले खा रहे बंदर की तरह, और ये है उमा। तो गैस यहाँ पे आदमी लोगों ने खाना खा लिया और यहाँ पे औरतें खा रही हैं, और एक साइड से अभी भी आदमी लोग खा रहे हैं और इस साइड से औरतें की रेडी लगी है खाने की, तो हम भी खाएंगे। और यहाँ पे चाची लोग भी खा रहे हैं, मामी लोग सब खा रहे हैं, तो हम खाते हैं। ऐसी रिवाज होती है पहाड़ों में खिलाने की, जैसे बाहर से दसरात हो गए और नामकरण हो गए, छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे खाना खिलाते हैं और अच्छा भी लगता है ऐसे बैठ के खाना आराम से एकदम। तो हम भी खाएंगे अब थोड़ी देर में। तो गैस यहाँ पे तीसरी रेली बैठ गई है खाने के लिए, दो रेली खा के उठ गए हैं और ये गुंजन है खाने के लिए तैयार हो रखी है। और अभी भी एक साइड को आदमी लोग और इस साइड को औरतें लोग बैठी हैं सारी, और छत में है मेरी चाची पर। तो गैस खाना पड़ोस रहे हैं अभी, ये रही प्लेटें। तो गैस हो गया हमारा खाना पीना और अब घर की तैयारी हो रही है जाने की। खाना काफ़ी अच्छा था, खाने में बहुत सारी चीज़ें बनी थी, दाल हो गया, चावल हो गया और वे सब्जी होगी, खीर पनीर और पूरी बड़े। तो बहुत अच्छा लगा खाना, टेस्टी था और कल्चर भी बहुत अच्छा था यहाँ का और लोकेशन भी बहुत अच्छा था यहाँ का। तो गैस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाती हूँ मैं आज,
तो यहीं पे एंडिंग करूँगी इन हसीन वादियों के साथ। तो गाइस मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और गुंजन यहाँ पे बैठी है क्योंकि आज स्कूल नहीं गई, ये यहाँ आने के चक्कर में आज की छुट्टी करवाई। तो गाइस मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग के साथ और अच्छे ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।